तीन तरह के मामाओं का जिक्र है। त्रेता युग में पहला मामा हुआ मारीच, जिसने सीता माता के हरण के लिए प्रपंच रचा था। त्रेता युग में हुआ मारीच, द्वापर के प्रारंभ में हुआ कंस मामा, जिसने अपनी सगी बहन देवकी के तमाम बच्चों का वध इसलिए किया कि उसकी खुशी सलामत रहे। और तीसरा मामा हुआ महाभारत के दौर में शकुनी, जिसने छल और प्रपंच से पांडवों को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन आज जारा की पवित्र भूमि को नमन करते हुए, पवित्र मंच को प्रणाम करते हुए, चंबल की माटी को माथे में लगाते हुए यह ऐलान के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इन तीनों प्रपंची मामाओं को मिला दिया जाए तो एक मामा बनता है शिवराज। आचार्य प्रमोद कृष्णन कौन है, क्या है आपका अस्तित्व, कहां से आए आप, क्या है मध्य प्रदेश से आपका संबंध? बोल मिर्ची बाबा, कंप्यूटर बाबा, आचार्य प्रमोद कृष्णन, इनके बल पर कुछ चुनाव होते हैं क्या? अरे चुनाव जनता के बीच जाओ, विकास के मुद्दे की बात करो, नेतृत्व की बात करो, कमलनाथ जवाब देना, दिग्विजय सिंह जवाब देना 15 महीने का। तो इन मुद्दों से भटकाने के लिए इनके प्रयास हैं जो मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है।